हाँ जी, मैं राजेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट सिख ऑल J&K सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जम्मू। आज हम अपना जो सिख खालसा पंथ, बैसाखी के ऊपर क्या कहेंगे? बैसाखी पर हम ये कहेंगे कि हमारा जन्मदिन है। आज से 13 जनवरी 1699 को हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस खालसा पंथ को साझा, उसका जन्मदिन है, जो हमारा सिख कौम का जन्मदिन है वो 13 अप्रैल 1699 को हुआ। उसके बाद हम लगातार चल रहे हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जुल्म कर रहे थे, उस वक्त हमारे जो कुचले जा रहे थे लोग, छोटे लोग थे, उनको पर हर किस्म का भेदभाव किया जाता था। उनको खाने के लिए अपने पास नहीं बिठाते थे, नहाने के लिए उनके पास, उनको अपने बोली पर नहीं जाने देते थे, किसी जगह नहीं जाने देते, और दूसरी जगह जितने भी जगह थे। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह ने 5 सिख अपनी कृपाण निकाल कर उनको बोला कि मुझे एक सिख की ज़रूरत है। एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और पांचवा, और पांच के पांच जो थे हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स से थे, और वो हर जाति से, शेड्यूल कास्ट भी थे, ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, दूसरी कम्युनिटी के भी थे, उन सबको मिला के उसने एक सेकुलरिज्म का निशानी जो हमारे इंडिया को आगे लाई, कि हम जो ये बना रहे हैं, ये नया पंथ बना रहे हैं, उसमें हर जात का, हर स्टेट का, हर इलाके का, हर बोली का बोलने वाला इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद उन्होंने उनको अमृत पान करवाया। उसके बाद वो लाखों की तादाद में, उस वक्त जब वो अमृत पान करवा रहे थे, उस वक्त 80,000 की गैदरिंग थी वहाँ पर। वो 2-3 महीने पहले वो ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हम बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे, आप सब लोग वहाँ पर आओ। उस वक्त सिर्फ उन्होंने 5 का चुनाव किया। उसके बाद वो जो हमारा मज़हब फैलता गया, सब सिंह सचते कि उसमें ऐसे ऐसे कुत्ता, फिर आस्ता आस्ता जो जुल्म का नाश करते गए। उसके बाद उन्होंने अपना परिवार सारा दे दिया, अपने बच्चे दे दिए, माता दी या पिता को दिया। कश्मीरी पंडित जो थे हमारे यहाँ से, एक डेपुटेशन पंडित कृपा राम की सदारत में वो आनंदपुर साहब में गया कि हमारा जो औरंगजेब है, ये रोज़ का 1.25 मण झंझू हमारे उतारता है, और उसके बाद वो खाना खाता है। पर उस जुल्म के ख़िलाफ़ गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत जाके दिल्ली चांदनी चौक में दी। उसके बाद वो उसको थोड़ी रुकावट पड़ी, उसके बाद वो आस्ता आस्ता परिवर्तन आता गया, और हमारे मुल्क को आज़ादी के लिए हर किस्म की वक्त के मुताबिक जो ज़रूरत थी वो करते रहे। बधाई आप सबको खालसा पंथ की जन्मदिन पर, सबको लख लख बधाई हो।